हेलो एंड वेलकम टू फाइनेंस के फंडे। और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बेहद ही खास गेस्ट जिनके पास फंड एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में करीब 30 सालों का एक्सपीरियंस है, और वो हैं आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर महेश पाटिल जी। सर, फर्स्टली वेलकम टू द शो। या वेलकम एंड टू हैव यू हियर। थैंक यू सो मच सर। एंड सर, जैसे कि आप आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी के साथ अक्टूबर 2005 से जुड़े हैं, आई गेस वहां से आप इससे पहले रिलायंस इन्फोकॉम के साथ भी काम कर चुके हैं, मोतीलाल ओसवाल के साथ भी काम कर चुके हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आपने अपने इतने लंबे करियर में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में क्या-क्या बदलाव देखे हैं। या सो आई थिंक आई मीन लास्ट 20 साल में जब से मैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आया हूँ, वहां से काफी चेंजेस हुए हैं। आई वुड से ना इन द इंडस्ट्री दोनों तरफ से, एक तो डिस्ट्रीब्यूशन के साइड से, राइट, जैसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं फंड्स, राइट, और ऑन दी फंड मैनेजमेंट साइड, ठीक, दोनों की में काफी काफी बदलाव आए हैं। ऑन दी फंड मैनेजमेंट साइड आई वुड से दैट एक पहले अभी लास्ट 15-20 साल में काफी प्रोसेस ओरिएंटेड हो गया है, राइट। पहले फंड मैनेजर्स वगैरह जो थे, एनालिस्ट फंड में स्टॉक लेते थे, काफी कुछ फंड मैनेजर के बेसिस पे ना, उसकी क्या स्टाइल है, उसको क्या अच्छा लगता है, उसके बेसिस पे काफी फंड में जो स्टॉक सिलेक्शन होता था उसके कारण होता था। बट अभी लास्ट 10-15 साल में देखा कि लॉट ऑफ प्रोसेस आए, कितनी फंड में कोई स्टॉक में कितनी रिस्क लेनी है, राइट, कितना वेटेज होना चाहिए स्टॉक में, राइट, उसके अंदर काफी कुछ गाइडलाइंस आ गई है। सो दैट रिस्क मैनेजमेंट जो है बात करते हैं, राइट, वो फ्रेमवर्क काफी तरह से मजबूत हुआ है। पहले हमने देखा है कुछ फंड्स में था कि कंसंट्रेशन काफी हुआ करता था, राइट, सेक्टर्स में, और उसमें कारण जब भी मार्केट में कुछ चढ़ा उतार चढ़ाव होती थी तभी फंड में काफी वोलेटिलिटी आती थी। आई थिंक वो एरिया में काफी कुछ सुधार आया है, और फंड मैनेजमेंट टीम जो है वो भी काफी बड़ी हो गई है। अभी काफी फोकस है इंटरनल रिसर्च पे है, राइट। सो हमारी जो भी टीम है, एनालिस्ट की जो टीम है, वो हर एक फंड में भी काफी इन्वेस्टमेंट उसमें हुए हैं। तो पहले क्या था, काफी जो डिपेंडेंस था वो सेल साइड रिसर्च, जो बात है ब्रोकरेज जो है, जो ब्रोकर्स हैं वहां से हम लोग रिसर्च लेते हैं, राइट, उनके ऊपर काफी निर्भर करता था। बट अभी इंटरनल रिसर्च पे ऊपर काफी निर्भर है, और इसके कारण क्या हुआ कि काफी डेप्थ बढ़ गई है, ब्रेथ बढ़ गई है, राइट, जो नंबर ऑफ स्टॉक्स हम कवर करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, वो काफी बढ़ गई। बिकॉज सभी स्टॉक्स में आपको जो छोटी कंपनीज हैं, स्मॉल कैप कंपनीज हैं, वहां पे आपको बाहर एक्सटर्नल ब्रोकिंग हाउस से ज्यादा रिसर्च नहीं मिलेगा, तो वहां पे हम अपना रिसर्च एनालिस्ट पे फोकस करके रिसर्च करके स्टॉक इंट्रोड्यूस कर गए। तो एक वो एक काफी बदलाव देखा है, और काफी फोकस्ड हुआ है इन टर्म्स ऑफ, जो पहले क्या था कि काफी लिबर्टी थी फंड मैनेजर को, राइट, और फंड को कि कहाँ पे वो इन्वेस्ट करें। अभी जैसे आपने देखा है कि सेबी ने कैटेगराइजेशन किया है फंड्स का, राइट, लास्ट 5 साल पहले, उसके कारण काफी क्लियर हो गया कि ये फंड का जो मैंडेट है वो क्लियर गाइडलाइंस है, बोथ डेट में है ऑल्सो और इक्विटी फंड्स में। उसके बाहर बहुत कम लीवे है फंड मैनेजर को, राइट, कहाँ पे इन्वेस्ट करने की, और इसके कारण इन्वेस्टर को मालूम है कि ये फंड में अगर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं लार्ज कैप फंड में कर रहा हूँ, तो 80% कम से कम लार्ज कैप फंड स्टॉक्स में ही रहेगा, जो टॉप 100 कंपनीज है। तो एक कैटेगराइजेशन काफी क्लियर हो गया है, और उसके कारण जो फंड मैनेजर के हाथ काफी बंधे हुए कि क्या डेविएशन ले सकते हैं फंड में। तो ये सब आई थिंक बदलाव हुए हैं, काफी नई कैटेगरीज भी आ गई है। आई मीन थेमेटिक फंड्स, आपने देखा है कि द रेंज ऑफ फंड्स हैज गॉन अप, एसेट एलोकेशन फंड्स का काफी बड़ा इंपॉर्टेंस आ रहा है, राइट, कैसे आप एसेट एलोकेट कर, जैसे कि बैलेंस एडवांटेज फंड एक बड़ी कैटेगरी उभर के आ गई है। अभी मल्टी एसेट फंड्स आ गए हैं, सो डिफरेंट एसेट क्लास, पहले क्या था खाली इक्विटी था और डेट था, अभी अदर एसेट क्लासेस, वेदर इट इज गोल्ड, प्रेशियस मेटल्स, वो एसेट क्लास भी आ गए हैं। तो वो फंड मैनेजमेंट साइड में इन्होंने देखी चीजेस। ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन साइड आपने देखा होगा कि जैसे पहले देयर वाज अपफ्रंट कमीशन जो था देते थे, राइट, सो वो अभी कम हो गया है, राइट, सो लोड था अपफ्रंट, व्हेन यू एंटरिंग इनटू अ स्कीम देयर वाज अपफ्रंट लोड था, वो नो लोड अभी लोड निकल गया है, एंड 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 वो डिस्ट्रीब्यूशन जो कॉस्ट है, कमीशन है, वो काफी कम हो गए। सेबी ने काफी उसमें कंस्ट्रेंट्स लेके आए हैं, उसके कारण इन्वेस्टर को ही बेनिफिट हुआ, राइट, बिकॉज आपके जो एक्सपेंस रेशियो जो थे, राइट, वो काफी कम हो गए हैं।
तो उसका बेनिफिट इन्वेस्टर्स को मिल रहा है कि लोअर एक्सपेंसेस। और उसको आपने देखा है कि अभी डायरेक्ट प्लान्स भी, आगे पहले खाली रेगुलर प्लान्स थे, राइट? सो जो आप जब भी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कोई फंड लेते हो, तो आपको उस वो भी डिस्ट्रीब्यूटर को भी जो कमीशन जाता है, ओके, वो भी इन्वेस्टर की ओवरऑल एक्सपेंस जो लगता है उससे जी निकलता है। अभी डायरेक्ट प्लान्स भी आ गए तो इन्वेस्टर्स डायरेक्टली आ सकते हैं, तो वो उनका जो एक्सपेंस रेशियो है वो रेगुलर प्लान से मुकाबले थोड़ा कम होता है, अराउंड 50 to 100 basis points कम होता है। तो वो एक बड़ी नहीं है। और एंड ओवरऑल आई थिंक एक्सेस टू टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल, राइट, हैज इम्प्रूव्ड। सो आई थिंक अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ गए, उसके थ्रू इन्वेस्टर्स डायरेक्टली चूज कर सकते हैं कौन से फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। सो ये एक बदलाव मैंने देखा है लास्ट 20 साल में। जी सर। और सर जैसे कि म्यूचुअल फंड, आपने इतने सारे म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर ली कि मल्टी कैप फंड्स हैं, लार्ज कैप फंड्स हैं, फ्लेक्सी कैप भी है, बैलेंस फंड्स भी हैं। ऐसे में जो नए निवेशक हैं उनके लिए ये चीज मतलब देखना बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो कौन से फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू करे। मान लीजिए कोई बिगिनर है तो उसको कहाँ से इन्वेस्टमेंट शुरू करनी चाहिए। तो आपकी बात सही है, अभी इतने सब फंड्स आ गए हैं कि काफी इन्वेस्टर्स कंफ्यूज हो रहे हैं, राइट? अभी इतनी कैटेगरीज भी हो गई है, बहुत इक्विटी हाइब्रिड फंड में है, इवन ऑन दी डेट फंड। तो मैं बोलूंगा कि जो पहली टाइम इन्वेस्टर आ रहा है म्यूचुअल फंड में ना, उसको एक्चुअली देखना चाहिए कि एक डाइवर्सिफाइड फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट? सो डाइवर्सिफाइड फंड माने जो सब लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकता है। तो वहां पे जैसे कि फ्लेक्सी कैप फंड हो गया आपका, राइट, जैसे है, और एक मल्टी कैप, एक मल्टी कैप एक नई कैटेगरी अभी आ गई है, राइट? सो वहां पे क्या है आपका, इज अ फिक्स रेशियो, राइट, 50% लार्ज कैप, 25% मिड कैप एंड स्मॉल कैप। तो इन्वेस्टर को एक बड़ा अच्छा मिक्स मिलता है अक्रॉस, ओके, लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप। सो आई थिंक ये कैटेगरीज में आई थिंक आई वुड रिकमेंड कि कोई फर्स्ट इन्वेस्टर आ रहे हैं उसके अंदर, देन उसके बाद आप देख सकते हो कि स्मॉल कैप, मिड कैप, कोई थेमेटिक फंड्स जैसे हो गए, सेक्टर फंड्स हो गए, उसमें कर सकते हैं। और एक कैटेगरी फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के लिए मैं रिकमेंड करूंगा इज दी बैलेंस एडवांटेज फंड जैसे हुआ, राइट? काफी बार इन्वेस्टर जो आते हैं फर्स्ट टाइम, उनको वोलेटिलिटी ज्यादा नहीं चाहिए, राइट? वो देख रहे हैं कि मेरे को रिटर्न स्लाइटली जो रिस्क अवर्स इन्वेस्टर है, राइट, जो डेट से अभी पहली बार इक्विटी में आ रहे हैं, और इनको इक्विटी की भी अपसाइड चाहिए, बट वोलेटिलिटी कम चाहिए, और उनको मालूम नहीं है कि मार्केट को टाइम करना चाहिए, कभी इन्वेस्ट करना चाहिए, अभी मार्केट महंगा है कि सस्ता है, अभी मेरे को पूरा लमसम डालना है कि नहीं डालना है। तो उनके लिए आई थिंक बैलेंस एडवांटेज फंड एक अच्छी कैटेगरी है, जहाँ पे इक्विटी का जो एलोकेशन है वो डायनामिक रहता है। डायनामिक का मतलब उसका हुआ कि मार्केट की करंट आउटलुक और उनकी जो अट्रैक्टिवनेस है, राइट, उसके हिसाब से इक्विटी का एलोकेशन वो फंड में होता है। वहाँ पे एक मॉडल रहता है जिसके हिसाब से हम चलते हैं। तो वो एक फंड भी एक हाइब्रिड कैटेगरी में जो आता है, वो निवेशकों के लिए फर्स्ट टाइम काइंड ऑफ अ फंड हो सकता है। और बाद में आई थिंक वहां से वहां पे क्या आपको टाइमिंग करने की जरूरत नहीं है मार्केट, बिकॉज ऑटोमेटिकली जो एसेट एलोकेशन है वो मार्केट की आउटलुक और वैल्यूएशन के हिसाब से फंड मैनेजर और फंड हाउस वो उसको एलोकेशन टाइम करते हैं। तो उसमें वोलेटिलिटी आप, और अभी मल्टी एसेट फंड भी आ गया, राइट, जहाँ पे बिसाइड डेट एंड इक्विटी यू हैव गॉट गोल्ड ऑल्सो एज एन एसेट क्लास। तो आपको एक ही फंड के रूट के हिसाब से आप डेट में भी एक्सपोजर ले सकते, इक्विटी में भी ले सकते हो, और गोल्ड और सिल्वर में भी एक्सपोजर आप ले सकते हो। तो आपका डाइवर्सिफिकेशन और बढ़ती है, और उसके कारण आपकी वॉलिटिलिटी जो है वो कम हो जाती है। तो ये आई थिंक कैटेगरी ऑफ फंड्स है जहाँ पे आई थिंक फर्स्ट टाइम निवेशकों को देखना चाहिए। जी सर। और अगर हम मार्केट की बात करें तो मार्केट में इस वक्त बहुत सारी चीजें चल रही हैं, जैसे कि अभी जियो पोलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, इन्फ्लेशन है वो उसके जो कंसर्न है वो नजर आ रहे हैं, जो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं उसके कंसर्न नजर आ रहे हैं। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में जो निवेशक हैं उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो अपने लॉन्ग टर्म जो उनके गोल्स हैं वो उनको अचीव कर पाए और लॉन्ग टर्म गेन्स उनको मिल पाए। तो मार्केट में रिस्क तो रहेगी, आई मीन कुछ ना कुछ रिस्क रहेगी, कभी इन्फ्लेशन की बात होगी, कभी इंटरेस्ट रेट्स की बात होगी, जियो पोलिटिकल रिस्क होगी, एंड वो आई थिंक इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए कि मार्केट में जो जर्नी है वो स्ट्रेट नहीं होगी, राइट? हालांकि हमने देखा है कि अभी लास्ट 8 9 महीने में मार्केट ने काफ़ी अच्छे स्ट्रेट जर्नी दी है, काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं, बट रिस्क भी है मार्केट में। तो उसको आपको मद्देनजर रखने रख के आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और इसीलिए आई वुड से कि जो इन्वेस्टर्स मार्केट में आ रहे हैं उनके लिए एसआईपी जो है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, दैट इज द बेस्ट रूट, बिकॉज
आप फिर मार्केट को टाइम नहीं करते, आपको मालूम है कि मार्केट के लॉन्ग टर्म आउटलुक अच्छी है, राइट? और वो सही में इंडिया की इकोनॉमी है जिस तरह से अभी उभर के आ रही है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ से काफी लंबा रनवे है और रीजनेबल ग्रोथ। काफी कुछ चीजें इंडियन इकोनॉमी में अभी पटरी पे आ रही है, वी आर सीइंग इन्वेस्टमेंट साइकिल, तो लॉन्ग टर्म आउटलुक इंडिया काफी अच्छा है, राइट? शॉर्ट टर्म में कंसर्न्स हैं बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन, जियोपॉलिटिकल रिस्क। तो आप अगर एसआईपी रूट के थ्रू आते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा, उसके कारण कि आप मार्केट के उतार चढ़ाव हर एक लेवल पे आप मार्केट को पार्टिसिपेट करते हो, और आप लॉन्ग टर्म आपको जो वेल्थ क्रिएट करनी है, आपको जो स्टेडी आपकी जो मंथली सेविंग्स है वो मार्केट में इन्वेस्ट करनी, तो आई थिंक दैट्स द वो एक सही तरीका होगा आपको मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। उसके अलावा जैसे मैंने बताया कि एक एसेट एलोकेशन जो है वो बहुत मायने रखता है कि आप के रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आप कितना आपको मिक्स होना चाहिए इक्विटी में, डेट में, और एनी अदर एसेट क्लास। अगर रियल एस्टेट भी अगर लेते हैं उसको एक्सटेंड करते हैं बिना बियॉन्ड फाइनेंशियल एसेट्स, तो रियल एस्टेट भी एक एसेट क्लास हो जाता है, गोल्ड हुआ। तो आपका रिस्क प्रोफाइल से जो आपका एसेट एलोकेशन आपने डिसाइड किया है उसको आपको आपको ध्यान में रखते हुए आपको रीबैलेंस करना है। और अभी का जो मार्केट है यहाँ पे हमें लग रहा है कि जो रिस्क रिवॉर्ड है, राइट, मार्केट में हर एक एसेट क्लास में, इक्विटी में हुआ, डेट में हुआ, या गोल्ड में, बैलेंस्ड है, राइट? आपको कहाँ पे भी ऐसे एक्स्ट्रॉर्डनरी रिटर्न्स नहीं दिखेंगे मिलेंगे, और रिस्क रिवॉर्ड बैलेंस, जिसको आपको सही मायने में आपको एसेट एलोकेशन जो है आपके हिसाब से उसको डाइवर्सिफाई करना चाहिए, राइट? सो वो एक ठीक रहेगा। और कोई एसेट क्लास में जैसे इक्विटी में अभी लास्ट 8-9 महीने में अगर बहुत अच्छी रिटर्न मिली है और उसका जो वेटेज है आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो में अगर बढ़ गया, तो उसको रीबैलेंस करना जरूरी है। आई थिंक ये चीज सब चीजें अगर आप ध्यान में रखते हो तो आपकी जो जर्नी रहेगी मार्केट में वो काफी ठीक रहेगी, और मार्केट की वॉलिटिलिटी जो रहेगी उसको तो कोई रोक नहीं सकता है, बट उसको आपको काफी आसानी मिलेगी। अच्छा, एंड 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 आई वुड से दैट विद इन इक्विटी ऑल्सो, राइट, आपको जो एसेट क्लासेस जैसे लार्ज कैप हुआ, फ्लेक्सी कैप है, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, सो हम रिकमेंड कर रहे हैं अभी करंट माहौल में कि आपका जो इक्विटी का एलोकेशन है वो लगभग से अराउंड 25% आपको लार्ज कैप में रखना चाहिए, अराउंड 35% 40% फ्लेक्सी कैप और डाइवर्सिफाइड फंड में रखना चाहिए, 15 से 20% आप मिड एंड स्मॉल कैप फंड में रख सकते हो, और बाकी का 15% आप थेमेटिक फंड जैसे हुए, राइट, कोई थीम आपको अच्छी लगती है जैसे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स, या कंज्यूमर थीम है, या टेक्नोलॉजी थीम है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जी सर, आपने भी इंडिया की ग्रोथ स्टोरी की बात की, मैं आपसे अगला सवाल वही पूछने वाली थी कि इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है उसे लेके लॉन्ग रन में सब बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि निवेशकों को इसमें प्ले करना चाहिए, और इसके अलावा अगर हाँ तो फिर वो कौन से फंड्स होंगे जो इस ग्रोथ स्टोरी में पार्ट लेंगे, या फिर हमें कौन सो से इन्वेस्ट करना चाहिए ऐसे? या सो आई थिंक इंडिया की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी से मैंने बात की, आई थिंक लग रहा है कि अभी जीडीपी हमारा की ग्रोथ है वो भी अराउंड 6.25 से 6.5% ये साल में भी ग्रो करेंगे, जहां हालांकि हम देख रहे हैं कि ग्लोबल ग्रोथ में थोड़ी कंसर्न आ रही है, राइट, बिकॉज इन्फ्लेशन, वहां पे इंटरेस्ट रेट्स काफी तेजी से बढ़ गए हैं। और इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है वो इसमें अभी इन्वेस्टमेंट्स जो एक पार्ट है जीडीपी का, राइट, वो भी अभी धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है, बिकॉज लास्ट 8-9 साल में देखा था कि इन्वेस्टमेंट्स काफी नीचे आ गए थे, इन्वेस्टमेंट जीडीपी रेशियो, और इंडिया की जो कंजम्पशन स्टोरी है वो काफी स्टेडी है, और इंडिया की जो डेमोग्राफिक्स है ओवरऑल, राइट, यंग पॉपुलेशन है, वर्किंग एज पॉपुलेशन इंडिया की अभी सबसे लार्जेस्ट होगी वर्ल्ड में, सो दैट विल बी द की ड्राइवर्स ऑफ इंडियाज ग्रोथ। और हमने देखा है कि इंडिया में जो सर्विसेज सेक्टर है, फिर एक्सपोर्ट्स, आईटी सेक्टर और अदर आईटी एक्सपोर्ट सर्विसेज है, वहां पे भी डिस्पाइट द यूएस स्लोडाउन वहाँ पे इंडिया काफी अच्छा कर रहा है। तो इसके कारण इंडिया की जो ओवरऑल एक्सटर्नल फ्रंट की जो पोजीशन है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट बात करते हैं, राइट, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, वो भी काफी स्टेडी है। एंड 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 बाकी जो सेक्टर्स है जैसे कि रियल एस्टेट सेक्टर हुआ, वो भी काफी आप टाइम डाउन टर्न के बाद अभी इम्प्रूव हो रहा है। सो आई थिंक ओवरऑल इंडिया की जो ग्रोथ रेट है आई थिंक कैन रिमेन टू कंटिन्यू टू ग्रो एट अराउंड 6.5-7% फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर वैसा रहा तो आपकी कंपनीज की जो अर्निंग्स ग्रोथ है, राइट, वो भी आपकी अच्छी रहेगी, और अगर कंपनीज की ग्रोथ अगर अच्छी रहेगी तो मार्केट भी आपको लॉन्ग टर्म में डिसेंट रिटर्न दे सकता है यहाँ से भी। सो अगर वो आपको पार्टिसिपेट करना है तो आपको आई थिंक बेस्ट वे टू डू दैट इज दैट, एज आई सेड, कि
आपको एक अगर डाइवर्सिफाइड फंड से देखा जाए, बिकॉज अगर इंडिया की ग्रोथ स्टोरी अच्छी रहेगी तो इवन मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज सभी कंपनीज अच्छी करेगी। हालांकि अभी शॉर्ट टर्म में स्मॉल कैप एंड मिड कैप में काफी तेजी हुई है, वैल्यूएशन में एक्सपेंसिव हुआ है, आई थिंक थोड़ा करेक्शन आएगा, बट इंडिया अगर इकोनॉमी अच्छी करे तो मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज भी आपको काफी कंपनीज अच्छी कर सकती है। तो बेस्ट वुड बी टू प्ले इट थ्रू अ फ्लेक्सी कैप काइंड ऑफ अ फंड, राइट। और अगर आपको थोड़ा इंडिया स्पेसिफिक ही स्टोरी खेलनी है, थीमेटिक अगर खेलना है, बिकॉज बिकॉज दैट्स वेयर दी ग्रोथ विल बी मोर स्ट्रॉन्गर, तो आपको एक जो इंडिया में जो सबसे बड़ी थीम है, हमें लग रही है कि एक कंजम्पशन थीम है, राइट। बिकॉज और स्पेशली कंजम्पशन में डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन का मतलब क्या हुआ कि जो आपके रोजमर्रा की चीजें उसके अलावा आप ना स्पेंड करते हैं, जैसे कि आप कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वाइट गुड्स में स्पेंड करते हो, रिटेल में स्पेंड करते हो, बाहर आउटसाइड डाइनिंग ट्रैवल एंड ऑल दीस प्लेसेस में, वहां पे जो स्पेंड होगा अगले 10 साल 20 साल में वो काफी जोर से बढ़ेगा। बिकॉज क्या होगा कि इंडिया की जो पर कैपिटल जीडीपी है अभी, राइट, अराउंड $2,300 है, वो एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे जहाँ पे आपके जो स्पेंड्स है, जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स है, वो आपको बढ़ेंगे। और इंडिया की जो पॉपुलेशन भी यंग है, यंग जो जनरेशन है, जेंजी वगैरह, वहाँ पे उनके एस्पिरेशन लेवल ज्यादा है, राइट, गोइंग फ्रॉम वो प्रीमियम प्रोडक्ट्स, तो वो एक सेगमेंट है जहाँ पे हमें लग रहा है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ अच्छी रहेगी, वहाँ पे काफी अच्छी कंपनीज है, ब्रांड कंपनीज है, तो वो एक सेक्टर अच्छा लगे। जैसे कि एक जेनेक्स फंड हुआ, तो कंजम्पशन जो फंड है वो आपको एक अच्छा थीमेटिक फंड होगा लॉन्ग टर्म इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है और कंजम्पशन जो ग्रोथ स्टोरी है उसको प्ले करने के लिए आप देख सकते हो। ओके सर। और सर एक सवाल ये कि जैसे बैलेंस एडवांटेज फंड, इसमें और फ्लेक्सी कैप फंड में क्या डिफरेंस होगा? और मतलब इसमें जो आप सिलेक्शन होती है जो स्टॉक्स की पोर्टफोलियो के लिए, वो कैसे होती है? तो बैलेंस एडवांटेज फंड, एक तो बिगेस्ट डिफरेंस है दोनों में कि आई मीन दो इक्विटी एलोकेशन है। बैलेंस एडवांटेज जो फंड है वहां पे जो इक्विटी की एलोकेशन है वो काफी डायनामिक होती है, राइट, वो वेरी कर सकती है अराउंड 20% टू अराउंड 80% के रेंज में, ओके, मार्केट की अट्रैक्टिवनेस के ऊपर। फ्लेक्सी कैप इज अ प्योर इक्विटी ओनली फंड, तो एक तो वोलेटिलिटी जो आपको रखेगी बैलेंस एडवांटेज फंड वो काफी कम होगी, अगर मार्केट गिरता भी है, राइट, तो फंड मार्केट से कम गिरेगा, आई मीन उसकी वो उस तरह से वो फंड को मैनेज किया जाता है। और उसमें आपको अब डाउन साइड में, राइट, वो फॉल कम होगा, अपसाइड में भी आपका पार्टिसिपेशन भी उसके हिसाब मुकाबले कम ही होगा कंपेयर टू अ फ्लेक्सी कैप फंड, तो वो एक बेसिक डिफरेंस है। ऑन द इक्विटी साइड जो फंड की एलोकेशन है इन द बैलेंस एडवांटेज फंड, वो लगभग फ्लेक्सी कैप फंड के जो फंड्स है इंडस्ट्री में उसके आसपास ही रहेगी, बिकॉज जो इक्विटी एलोकेशन है, हालांकि ज्यादा रुझाव वहां पे लार्ज कैप स्टॉक्स में रहता है, मिड कैप और स्मॉल में कम है, क्योंकि आपको वोलेटिलिटी कम करनी है उसमें, राइट। तो मैं बोलूंगा कि बैलेंस एडवांटेज जो फंड है वो मेनली आपको वोलेटिलिटी कम करने के लिए, आपकी आपके डाउन साइड में आपका जो फॉल होगा वो कम करने के लिए है, और फ्लेक्सी कैप फंड है वो आपको मार्केट वाइड एक्सपोजर देता है आपको, राइट, सब सेक्टर्स में लार्ज मिड एंड स्मॉल के पार्टिसिपेट करने का, और वो मार्केट के हिसाब से ऊपर नीचे होगा, राइट। सो अगर आपकी रिस्क एपेटाइट ज्यादा है, आपको लॉन्गर टर्म, आपका लॉन्गर टर्म होराइजन है और आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए, आई मीन आपको मार्केट की कंपाउंडिंग रिटर्न चाहिए, तो आपको फ्लेक्सी कैप फंड देखना चाहिए। अगर आपके रिस्क प्रोफाइल कम है, आपको वोलेटिलिटी पे ज्यादा ध्यान देना है, आपको लेस वोलेटाइल फंड चाहिए, और आपको मार्केट में जो पार्टिसिपेट करेगा भी और डाउन साइड प्रोटेक्ट करेगा, तो आपको बैलेंस एडवांटेज फंड आप देख सकते हो इन्वेस्टर। ओके सर। एंड वन लास्ट क्वेश्चन ऑल्सो सर, कि आपकी एडवाइस जो यंगस्टर्स अपने फ्यूचर में अभी स्टार्टिंग एज पे है, जिन्होंने अभी इन्वेस्टिंग स्टार्ट की है, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे कि वो अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए क्या करें? सो मैं तो बोलूंगा, आई मीन कि इन्वेस्टर्स को कि आपको इन्वेस्टमेंट्स अर्ली स्टेज पे आपको करनी चाहिए नॉर्मली, राइट, और प्रॉपर प्लानिंग करके करनी चाहिए, राइट। वन शुड नॉट गेट कैरिड अवे बाय शॉर्ट, काफी इन्वेस्टर जो आते हैं मार्केट में वो शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस देख के आते हैं, उनको क्विक रिटर्न चाहिए, राइट, और आई थिंक मार्केट में सबसे अच्छे रिटर्न आपको लॉन्ग टर्म होराइजन से मिलते हैं, राइट, जो कंपाउंडिंग मिलती है आपको स्टडी, उससे आपकी वेल्थ क्रिएशन होती है। अगर आप क्विक रिटर्न के पीछे भागते हो तो क्या है कि वो शॉर्ट टर्म रिटर्न आपको दिखते हैं बट उसमें डाउनसाइड भी काफी रहती है, राइट। सो आप अगर कोई भी फंड सिलेक्शन करते हो या स्टॉक सिलेक्ट करते हो, आप अगर उसको देखोगे कि लास्ट जो फंड और जो स्टॉक लास्ट 1 साल और 6 महीने में अच्छा किया, उसके बेसिस पे खाली करोगे तो आपको डिसअपॉइंटमेंट आ सकती है, राइट।
आपको सोच समझ के देखना चाहिए कि जो कौन सा फंड है स्टॉक, जो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा स्टेडी रिटर्न दे सकता है, आई थिंक वो इम्पोर्टेंट है। और आप जैसे बात की कि आपको डेफिनेटली अर्ली, जितना आप अर्ली मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तो आपकी होल्डिंग जो कैपेसिटी है, कंपाउंडिंग जो होगी अगर आप से इन्वेस्ट, अगर नए जो है यंग इन्वेस्टर्स एट द एज ऑफ से 25-30, देन यू हैव ऑलमोस्ट 25-30 इयर्स, 35 इयर्स ऑफ पीरियड जहाँ पे आप आपकी वेल्थ ग्रो कर सकते हैं। तो आपको जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो बोलते हैं ग्रोथ का, उसका बेनिफिट आपको मिल सकता है। और कभी ओवर एक्सपोजर मत ले मार्केट में, उतना ही इन्वेस्ट करें जितनी आपकी कैपेसिटी हो, लेवरेज करके, और ओवर एक्सपोज करोगे तो भी क्या होता है कि उसके अंदर जब भी मार्केट में वोलेटिलिटी आती है, जो करेक्शन आती है, तभी आपको मार्केट में आपको फोर्स करता है कि आप सेल करें, यू गेट कट योर पोजिशन एट द रॉन्ग टाइम इन द मार्केट। सो जितनी आपकी कैपेसिटी है उतने हिसाब से करो, बट एक प्लान तरह से करोगे एंड विद प्रॉपर रिसर्च करोगे एंड नॉट लुकिंग एट शॉर्ट टर्म रिटर्न बट टेकिंग अ लॉन्गर टर्म व्यू। ये सब चीज अगर ध्यान से आप करते हो तो आपकी जर्नी जो रहेगी वो, मैंने आई एम प्रिटी श्योर इट विल बी वेरी गुड। एंड आई थिंक, और आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए थोड़ा, ऐसा नहीं है कि एक ही एसेट क्लास में आपको रखना चाहिए। हालांकि सिंस यू आर स्टार्टिंग यंग, आपका इक्विटी में एलोकेशन ज्यादा हो सकता है, बिकॉज लॉन्ग टर्म में इफ यू लुक एट एज यू इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट हो रहा है, आपकी जो रिस्क है ऑफ डाउनसाइड इन इक्विटी रिटर्न इन मार्केट गोज डाउन। सो यू कैन स्टार्ट ऑफ अर्ली विद अ स्लाइटली हायर एक्सपोजर ओके ऑन इक्विटीज, बट बाकी एसेट क्लास में भी आप डाइवर्सिफाई करना चाहिए। ओके और सर एक ये सवाल है मेरे मन में कि जैसे गोल्ड है तो गोल्ड में अब लोग फिजिकल गोल्ड लेना तो इतना पसंद नहीं करते हैं, तो ऐसे में पोर्टफोलियो में हमें कितना एक्सपोजर रखना चाहिए गोल्ड का? सो गोल्ड इज मोर टू प्रोवाइड सम काइंड ऑफ अ सेफ्टी, हालांकि गोल्ड की जो लॉन्ग टर्म रिटर्न्स हैं वो, आई मीन इक्विटीज विल ऑलवेज डू बेटर देन गोल्ड, सो वो गोल्ड, जैसे हम लाइक हमारा एसेट एलोकेशन फंड है, वे वी से दैट वहाँ पे गोल्ड का जो एलोकेशन है वो 10 to 20 के बीच में है। सो आई थिंक 10 to 15 आई थिंक इज अ 10% ऑल्सो इज अ रीजनेबली, जैसे एलोकेशन टू टेक केयर ऑफ। क्या होता है कि जब भी क्राइसिस होती है कुछ भी, कंसर्न, दैट टाइम गोल्ड इज अ फ्लाइट टू सेफ्टी, सो दैट टाइम यू कैन डिप इनटू दैट रिजर्व, सेफ्टी रिजर्व जो आपका है टू रियली टेक केयर ऑफ इट। सो आई वुड से बिकॉज वो लॉन्ग टर्म रिटर्न्स अगर गोल्ड के देखोगे तो दे आर अराउंड 8 to 10% ओके इन दैट रेंज, व्हिच इज स्लाइटली बेटर देन व्हाट यू गेट इनटू फिक्स्ड इनकम। बट लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन आई डोंट थिंक विल हैपन थ्रू गोल्ड। सो आई थिंक अराउंड 10 to 15% ऑफ योर पोर्टफोलियो कैन बी इन टू गोल्ड ओके, विच कैन प्रोवाइड गुड स्टेबिलिटी ड्यूरिंग टफ टाइम्स। सो थैंक यू सो मच सर आपके इतने सारे इनसाइट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए और हमारे व्यूअर्स को इतनी सारी इन सब चीजों के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।